मारुति वैगनार एक लंबे अरसे से 4 से 6 लाख वाले सेगमेंट की चैंपियन रही है। वो इसलिए क्योंकि इतने प्राइस में ये एक रिलायबल इंजन, कंफर्टेबल कैबिन और बेसिक मगर यूजफुल फीचर्स ऑफर करती है। इस फॉर्मूले को इम्प्रूव करने की सोची रेनो ने अपनी 7 सीटर ट्राइबर के साथ। उतने ही प्राइस में आपको और 2 एक्स्ट्रा सीट मिल रही है, तो क्या ट्राइबर वैगनार की बराबरी कर पाएगी? आइए जानते हैं। वैगनार की प्राइस रेंज की बात करें तो वो शुरू होती है लगभग 4.5 लाख से और ऑलमोस्ट 6 लाख तक जाती है। वहीं ट्राइबर का प्राइस ऑलमोस्ट 5 लाख से शुरू होता है और उसका टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 7 लाख का आता है। मारुति वैगनार का ZXi 1.2 वेरिएंट और रेनो ट्राइबर का RXL वेरिएंट सबसे क्लोजली प्राइस्ड हैं और इसलिए हम इन्हें इस कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। जितने पैसे में आपको वैगनार का टॉप स्पेक मॉडल मिलेगा, उससे थोड़े और पैसे डाल के आप खरीद पाएंगे ट्राइबर का मिडिल वेरिएंट। तो वैगनार यहाँ एक पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन भी है और उतने पैसे में आपको टॉप स्पेक मॉडल भी मिल रहा है। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि वैगनार ही बेटर ऑप्शन है? फाइनल जजमेंट पास करने से पहले नजर डाल लेते हैं इनके डायमेंशंस, इंजन्स और फीचर लिस्ट पे। पर उससे पहले कॉस्ट की बात करें तो इंश्योरेंस एक ईयरली रेकरिंग कॉस्ट है। अगर आप अपने लिए बेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो लॉग ऑन करें insurancedekho.com पर, जहां आप सारे लीडिंग इंश्योरेंस ब्रांड्स के पॉलिसीज कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और व्हील बेस के मामले में रेनो ट्राइबर आगे निकल जाती है, पर अगर हाइट की बात करें तो अपने टॉल बॉय डिजाइन की वजह से मारुति वैगनार बेटर साबित होती है। वैगनार का डिजाइन आउटराइट शार्प तो नहीं है, पर आपको वो बॉक्सी डिजाइन यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। रेनो की ट्राइबर भी बॉक्सी है, बट इसके कर्वी डिजाइन एलिमेंट्स उस बॉक्सी शेप को कुछ हद तक छुपा देते हैं। वैगनार में भी 1 लीटर का इंजन आता है, पर ट्राइबर के जितने पैसे में आप खरीद सकते हैं वैगनार का 1.2 लीटर वाला टॉप स्पेक वेरिएंट। तो पावर और टॉर्क आपको दोनों ही ज्यादा मिलेंगे, चाहे फुल लोड हो या पार्शियल लोड, परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आपको वैगनार में ही अच्छी मिलेगी। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि ट्राइबर की परफॉर्मेंस खराब है। फुल लोड के साथ में भी आप ट्राइबर को सिटी में आसानी से चला सकते हैं। हालांकि हाईवे पर ट्राइबर की फुल लोड परफॉर्मेंस काफी डल है और इस पर्पस के लिए वैगनार बेटर ऑप्शन है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी वैगनार यहां पर बेटर ऑप्शन साबित होती है। सिटी हो या हाईवे, हमारी टेस्टिंग में वैगनार ने 3 से 4 KMPL बेटर एवरेज दिया। क्या आपके लिए एक गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी? हमें बताएं नीचे कमेंट्स में। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, यानी कि दोनों गाड़ियों के फीचर्स का कंपैरिजन। दोनों गाड़ियों में काफी बेसिक फीचर्स कॉमन हैं। ये रही उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। अब एक नजर डालते हैं उन फीचर्स पर जो आपको यहाँ सिर्फ वैगनार में मिलेंगे। इस लिस्ट में कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो हम ट्राइबर में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि डे नाइट IRVM, को ड्राइवर के लिए प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर वाली सीट बेल्ट और ऑक्स कनेक्टिविटी। बाकी फीचर्स थोड़े प्रीमियम हैं, जो हम इस सेगमेंट में एक टॉप वेरिएंट में ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब नजर डालते हैं उन फीचर्स पर जो आपको यहाँ सिर्फ ट्राइबर में ही मिलेंगे। ट्राइबर में यहाँ काफी यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं। सेकेंड रो के लिए AC विद इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, एक LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स इस सेगमेंट की अधिकतर गाड़ियों में मिसिंग होते हैं। और हालांकि ट्राइबर का ये छोटा वेरिएंट है, प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ तभी भी मिल रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे आप ट्राइबर के लिए दे रहे हो वो एक बड़ा कैबिन, एक एक्स्ट्रा रो ऑफ सीट्स, एक बड़ा AC सिस्टम और इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स के लिए है। इस कंपैरिजन से हमें इन दोनों गाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है। दोनों गाड़ियों का प्राइस नियर अबाउट सेम है, दोनों के सेफ्टी फीचर्स नियर अबाउट सेम है और दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं।
और यहाँ खत्म होती है इनकी सिमिलैरिटीज। वैगनआर उन लोगों को पसंद आएगी जिन्हें अपनी कार से थोड़ी परफॉर्मेंस की आशा रहती है। यही नहीं, वैगनआर के साथ आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। टॉप स्पेक वेरिएंट होने की वजह से यहाँ आपको काफी फील गुड फीचर्स भी मिल जाते हैं। ट्राइबर का इंजन वैगनआर से छोटा है पर सिटी में चलाने के लिए सही है। हाँ, अगर हाईवे की बात करें तो वैगनआर का इंजन आपको डेफिनेटली ज्यादा पसंद आएगा, स्पेशली एक फुल लोड पे। पर अगर आपकी प्रेफरेंस कैबिन में ज्यादा लोग बिठाने की है तो ट्राइबर एक बेटर चॉइस है। अपने 7-सीटर लेआउट की वजह से ये ज्यादा लोग अकोमोडेट ही नहीं करती, बट आपको यहाँ पीछे की सीट्स निकालने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इससे सामान रखने के लिए काफी बड़ा बूट मिल जाता है, तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है तो ट्राइबर को सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैगनआर उन लोगों के लिए बेटर कार है जिनको एक पेपी ड्राइव पसंद है और ज्यादातर उनकी गाड़ी में 4 लोग से ज्यादा नहीं बैठते। ट्राइबर उन लोगों के लिए बेटर सेंस बनाती है जिनकी रनिंग अक्सर 5 या ज्यादा लोगों के साथ होती है और कभी कभी सामान के लिए भी एक बड़ा बूट भी चाहिए होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपके इन दोनों गाड़ियों के लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कहा देखो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोस के लिए।